हेलो दोस्तों, मैं गौरव राज चौहान फ्रॉम यूरेका टेक्नोलॉजी। मैं आपके सामने एक एजुकेशनल डिवाइस लेकर के आया हूँ। ये एजुकेशनल डिवाइस जो है बहुत ही डिमांड में है। बहुत सारे लोग हम लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेरी कर रहे हैं। हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए, और इसी के बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इस डिवाइस का नाम है इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड। और ये जो हमारा इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड है, ये हमारे हार्ड बोर्ड को, जो कि हार्डबोर्ड पीछे दिख रहा होगा, नॉर्मल हार्डबोर्ड जिसपे कि हम लोग विद द हेल्प ऑफ मार्कर लिखते हैं, उस बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड में कन्वर्ट कर देगा। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं, हर कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो फिर बोर्ड क्यों नहीं स्मार्ट होगा। बोर्ड स्मार्ट, टीचर स्मार्ट, स्टूडेंट स्मार्ट, सब स्मार्ट। तो इसके बारे में आगे अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे और आप देखिएगा। और अभी तो हम बेसिक वर्जन लेकर के आएंगे, आगे हम प्रो वर्जन भी आपको बताएंगे। और आगे के वीडियो देखिए, कोई दिक्कत कोई क्वेरी आप कमेंट लिख सकते हैं। इंक्वायरी हो तो नंबर जो हमारे नीचे चल रहा है यहाँ पे, आप उस पर जो है क्वेरी कर सकते हैं। और जिनको भी ये चाहिए हम लोग अवेलेबल भी कराते हैं। और आप हमारे हाथ में ये पेन देख रहे होंगे, ये जो है ये एक पेन है, डिजिटल पेन है। और जैसा कि ये हमारा देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल हमारा व्हाइट बोर्ड है, आप देख रहे होंगे। ये हमारा नॉर्मल व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड को ही हम अपने इंटरेक्टिव किट की हेल्प से कैसे इसको स्मार्ट बोर्ड बना सकते हैं और स्मार्ट बोर्ड की तरह वर्क करेगा, इसको हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। आशा है आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे और किसी को अगर ज़रूरत हो, नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके इसको आप अपने यहाँ भी इंस्टॉल करा सकते हैं। और बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे है ये बोर्ड। और साथ ही साथ ये बता दें कि इसके साथ जो है आपको सर्विसेज भी बहुत बढ़िया मिलती है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ के बारे में तो बता दिया, मैं आपको बता दूं कुछ फीचर्स के बारे में इसमें। जैसा है ये जो हमारा किट है लगा हुआ है, सबसे पहले इसको एक कैलिब्रेशन करना पड़ता है। ये कैलिब्रेशन करने के बाद जो हमारा ये फर्स्ट अपीयरेंस आता है, जो अभी आप देख रहे हैं। और ये एक सिंपल टूल्स है, सिंपल टूल्स। अब सिंपल टूल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरीके का वर्जन हम लोग लेकर के आए हैं, एक सिंपल एक प्रो। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल वर्जन दिखाएंगे, सिंपल टूल्स दिखाएंगे, फिर आपको जो है हम प्रो वाला दिखाएंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ टूल्स और कैसे ये बोर्ड जो है स्मार्ट बोर्ड की तरह यूज होगा। ये हमारा पेन है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्मार्ट पेन है। और हम सबसे पहले ये आपको, आप लोग को दिख रहा होगा तीन पेन है, ठीक है। ये पहला पेन है जो कि हार्ड पेन बोलते हैं, ये दूसरा पेन है जिसको सॉफ्ट पेन बोलते हैं, ये तीसरा पेन है जिसको फ्लू पेन बोलते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है ये पता चलेगा। सबसे पहले मैंने हार्ड पेन को जैसे टच किया, ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इस पेन से मैं आपके लिए एक अल्फाबेटिकल लेटर्स लिख रहा हूं, वो देखिए। ई F G H, जैसा कि अभी आपने देखा होगा, मैं इस विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, दिस डिजिटल पेन, हम अपने बोर्ड पे, अभी जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये जो हमारा नॉर्मल व्हाइट बोर्ड था, इस पे हमने A B C D E F G H लिखा, जैसे कि हम नॉर्मल मार्कर से लिखते हैं। अब मैं दूसरा पेन कैसे चलता है, ये दूसरा पेन है, और इस पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। पहला मेरा रेड था, ये पेन यहाँ, ये कलर चेंज करने के लिए, पेन और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए मैंने पेन का कलर चेंज करना है। ये सारे फीचर्स हैं पेन के कलर चेंज करने में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसमें अभी मैं ले लेता हूँ ब्लू, हाँ ये चलिए मैं ब्लू कलर लिया। और अब मैं आपके सामने, मैंने सॉफ्ट पेन लिया है, पहला हार्ड पेन से था। और इसकी जो थिकनेस है ना, ये भी यहाँ से, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से ये चेंज होती है, थिकनेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 16 तक है। तो अभी जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सेकेंड ये देखिए, बी सी डी ई एफ जी एच। और ये जो पेन का टिप है ना, जैसा ये प्रेशर इस पर पड़ता है, प्रेशर के हिसाब से ये लिखा जाता है। ये सॉफ्ट पेन का है, जहां जहां मेरा, जैसे मैं यहां से शुरू किया हूं, देख रहे होंगे यहां पे मैंने ज्यादा प्रेशर दिया, हल्का दिया तो कम हो गया, जहां प्रेशर मेरा ज्यादा पड़ रहा है वहां पे इंक ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और ये है,
ये जैसे ड्राइंग और कलर करने के लिए होता है, मैं इसके लिए भी डिफरेंट कलर ले लेता हूँ ताकि आपको पता चले। और इसके लिए मैंने एक कलर ये ले लिया, और अभी आप देखिए जो मैं, अगर इसमें कुछ कलर जैसे फील करना है, आप देख रहे होंगे इसमें ए के बीच में मैंने ये फील किया, ये कैसा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए बहुत हल्का लग रहा होगा, ठीक है। और इसे जस्ट लाइक अगर ड्राइंग ड्राइंग करते हैं, कलर फील करते हैं, तो यहाँ देखिए आप ये इसमें कलर मैं फील कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा होगा ये कलर ड्राइंग इस तरीके से, ये फ्लूपेन ड्राइंग की तरह आप देख सकते हैं ऐसे। इसको और डीप करना है, देखिए दिख रहा है। अब मुझे इरेजर का यूज करना है, अगर इसको इरेज करना है तो कैसे होगा, ये नॉर्मली मार्कर की तरह यूज हो रहा होगा और बहुत ही फ्लुएंट यूज हो रहा होगा। अब इसे मैं हार्ड पेन लेकर के मैं कुछ और भी लिख करके दिखा देता हूँ, तो उससे पहले मैं इस चीज को डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये मेरा इरेजर है, बहुत ही सिंपल। इसमें तीन टाइप का इरेजर है, एक ऑब्जेक्ट इरेजर, स्मॉल इरेजर और क्लियर इरेजर। क्लियर जो पेज है वो पूरा पेज एक बार में क्लियर हो जाता है अगर हम उस फंक्शन को यूज करते हैं। स्मॉल इरेजर जो स्मॉल पार्ट पार्ट को अगर इरेज करना है ऑब्जेक्ट इरेजर में, सबसे पहला मैं ऑब्जेक्ट इरेजर लिया, इसको मैंने ऐसे किया, ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट इरेज हो गया। स्मॉल इरेजर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इरेजर तो मैंने दिखाया, स्मॉल इरेजर स्मॉल पार्ट लाइक दिस, ये देखिए ये मैं टच कर रहा हूँ, इरेज होते गया, या बीच में कहीं भी इरेज करना है, मैंने ऐसे किया, देखिए इरेज हो गया, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। इरेजर का भी थिकनेस जो है, कितना कम लेना है, ज्यादा लेना है, ये सब डिपेंड करता है यहाँ से भी, जहाँ से कि हम लोग राइटिंग के लिए थिकनेस ले रहे थे वहीं से इसका, जैसे इरेजर का दिखाना है, ये देखिए अभी ज्यादा लिया है, ज्यादा इरेज हुआ, ज्यादा लिया है, ज्यादा इरेज हुआ, ठीक है, देखिए सेक्शंस ज्यादा इरेज हुआ, पतला लेंगे कम इरेज होगा। तो ये हुआ पेज इरेजर, भी हम दिखा देंगे एक बार में क्लियर पेज कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको कुछ और, नेक्स्ट पेन का मैं कलर ले लेता हूँ एक, और यहाँ से कस्टमाइज कलर, बहुत सारे कलर्स जो है आप अपने हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो मैंने ये लिया और देखिए कितना स्मूथ होता है, अभी आप ध्यान देंगे, ठीक है, कितना मैं स्मूथ लिख रहा हूँ, और इजिली आप भी लिख सकते हैं इतना ही स्मूथली। अब कहेंगे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इससे पतला अगर फॉन्ट करना है, क्योंकि मैंने इरेज करते समय मोटा फॉन्ट लिया था, दैट इज द रीजन मैंने चार साइज ले लिया, तो ये आ जाएगा। और ये देखिए दिख रहा है ये सारा। और अगर हम चाहते हैं अब नेक्स्ट पेज लेना, यहाँ पे है प्लस पे मैंने किया, नेक्स्ट पेज आ गया, कुछ भी अगर लिखना है लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कुछ भी, कुछ भी लाइक दैट। मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूँ, आप देखिएगा हिंदी में, जी आपने देखा होगा अभी क्या लिखा हुआ है, हाँ जी आप पढ़ रहे होंगे गौरव राज चौहान। अब इसका अगर बोर्ड का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कैसे ये चेंज होगा अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं ये यहाँ बैकग्राउंड पे जा रहा था और पेन का कलर चेंज करने के लिए था, वैसे ही बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड के लिए इसको इधर मैं स्किप कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई भी मैं अगर बैकग्राउंड कलर लेता हूँ तो चेंज हो जाएगा, सी लाइक दैट, मैंने ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू पे जैसा लिखा हुआ था जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, ठीक है। और कोई बैकग्राउंड ब्लू, ऑरेंज, आई होप सो दिख रहा होगा। इस तरीके से आप जो है अपने हिसाब से जो भी है बोर्ड का बैकग्राउंड और पैटर्न भी आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं ग्रे कलर लिया हूँ, ग्रे। अब इसको मैं अगर व्हाइट करना चाहूँ अगेन, तो ये व्हाइट हो जाएगा।
ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में अब लिख देता हूँ, कुछ और एक कलर पेन का मैं ले लेता हूँ, और यू जस्ट सी कितना मैंने बढ़िया लिखा, स्मूथली लिखा, फास्ट लिखा। ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया हमारा जो है ना ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। आप इसको यूज कीजिए, स्मार्ट बोलिए, स्मार्ट बनिए, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्टफोन, हर कुछ स्मार्ट हो रहा है, तो स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं होगा। और भी ये किस मामलों में स्मार्ट है, धीरे धीरे मैं अभी जितना इस वीडियो में होगा मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, आगे की वीडियो में जब मैं प्रो वाला बताऊंगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसमें जो है जो फीचर्स है वो मजा आएगा। अभी तो मैं सिंपल दिखा रहा हूँ, सिंपल चीजें दिखा रहा हूँ, और अब दूसरा मैं आपके लिए क्या बताऊँ, फीचर्स मैंने न्यू पेजेस ऐड कर दिया, अब आगे पीछे जाना है, जैसे पीछे वाला पेज ये आ गया, आप देख रहे हैं आगे का पेज ये हो गया। अगर मैं इसको टच करता हूँ, ये ऊपर इसको, ठीक है, देखिए वन सेकेंड आई टच, ये हमारा इधर स्लाइड आता है, आपको दिख रहा होगा इधर स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड, देखिए टच किया, ये सेकंड स्लाइड, सेकंड से फर्स्ट, जितना भी होगा ये फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से सारा स्लाइड बन जाएगा, जिस स्लाइड पे जाना चाहे, ये स्लाइड का फीचर्स है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ इमेजेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पर गया, और नेक्स्ट पेज पर मैं जाऊँ, न्यू पेज लेता हूँ यहाँ से, और जो चीज़ें मैं ये कर रहा हूँ ना, इस हम वीडियो भी बना सकते हैं, और इसका जो फाइल है वो पीडीएफ और डॉक और एक्सेल फॉर्मेट में भी हम सेव कर सकते हैं इजिली। और भी एक फॉर्मेट है इसका, आरपीटी फॉर्मेट, उसमें भी सेव होता है, बट आप बाकी अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में भी जो दिया हुआ है उसमें आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अब आपको